सवेरा नई उमंगे नई नई हर बात कोशिश करने से मिलती है खुशियों की सौगात से ही होते काम सफल हमको करनी है जनहित में मिलकर एक पहल मिलकर एक पहल मिलकर एक पहल मिलकर एक पहल नमस्कार दूरदर्शन के इस ज्ञानवर्धक और खोज परक कार्यक्रम पहल में आप सभी का स्वागत है। हम और आप वर्षों से किताबों में पढ़ते आ रहे हैं कि आवश्यकता आविष्कार के जननी है, पर क्या इंसान की हर आवश्यकता आविष्कार में बदल पाती है? शायद नहीं, लेकिन जिन लोगों में अपने सोच को एक नया आयाम देने की क्षमता होती है वही कुछ इनोवेटिव या नवोन्मेष कर पाते हैं। तो नवोन्मेष क्या है या इनोवेशन क्या है, इस पर हमारे विशेषज्ञ की क्या राय है, आइए जानते हैं। इनोवेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर ऑब्जेक्टिव यह है कि हम अपना मटेरियल गेन करें तो वो एक बात है, लेकिन अगर हिंदुस्तान में हम इनोवेशन से गरीबों की कुछ प्रगति कर पाए तो उसमें हमारा यूनिक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वेस्ट में जो लोग इनोवेशन करते हैं वो मटेरियल गेन के लिए करते हैं, और हम लोगों को ये कंसंट्रेट करना चाहिए कि हम इनोवेशन से गरीबों की कुछ बढ़ाएं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे न्यू वेज ऑफ एग्रीकल्चर, फॉर एग्जांपल स्टोरेज, ग्रेन के स्टोरेज में अगर हम इनोवेशन करें तो कितनी वेस्टेज बच जाए, दैट इज इनोवेशन। आज हम आपको कुछ ऐसे ही आविष्कारों के बारे में बताएंगे जिसे अंजाम दिया है हमारे कुछ शोध छात्रों ने, और उनकी आज ये पहल इनोवेशन का रूप लेकर के हमारे सामने है। लखनऊ स्थित स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस के कुछ शोध छात्रों ने पेट्रोल से चलने वाली मोटरसाइकिल को हवा से चलाने की एक अनोखी पहल की। उनकी ये पहल आज हमारे सामने एक नवोन्मेष या इनोवेशन में बदल चुकी है। इस मोटरसाइकिल में छात्रों ने एक ताकतवर स्वनिर्मित इंजन लगाया है, जिसे चलाने के लिए एक एयरबैग लगाया गया है, जिसमें अगर एक बार हवा भर दी जाए तो ये मोटरसाइकिल लगभग 30 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। छात्रों ने अपने इस मोटरसाइकिल का नाम दिया है एरोबाइक। इस खोज पर और प्रकाश डाला संस्थान के निदेशक डॉक्टर भरत राज सिंह ने। और आप मेरे सामने देख रहे हैं एक बाइक है जो हवा से चलती है, और इसका आविष्कार यहाँ के शोध छात्रों ने किया है। आइए मिलते हैं प्रोफेसर भरतराज सिंह जी से। सिंह साहब, ये बताइए कि ये परिकल्पना आपके दिमाग में कब आई कि ये बच्चों से कुछ ऐसा करवाया जाए कि हवा से बाइक चलने लगे? हाँ, तो इसको 2008 से जब से इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश हुआ है उसी समय ये परिकल्पना थी कि विश्वव्यापी विभिषिकाओं पर, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग और इन्वायरमेंटल इश्यूज, इकोलॉजिकल चेंजेस से ये आने वाले समय बहुत ही विभिषिकाओं से भरा हुआ है, तो इसका अगर देखा जाए तो ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीज जो है, पूरे इंडस्ट्रीज डेवलप हुई और जो आज की नीड है वाहनों की बढ़ती संख्या के वजह से, जो टेल पाइप इमिशन हो रहा है, पॉल्यूटेंट जो निकल रहे हैं, ये मुख्य कारण है, और पेड़ पौधे कटना और सब चीजें होना, ये तो इकोलॉजिकल चेंजेस हुए हैं जिससे कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को ऑक्सीजन में नहीं कन्वर्ट हो पा रहा, तो मुख्यतः वाहनों से जो निकल रही उस पर ध्यान दिया गया कि इसको क्या मात्रा है और कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है, इस पर एक विचार आया है, और उस विचार के तहत हम लोगों ने इस पर एक शोध किया है। व्यक्तिगत तौर से मैंने किया था कि पूरे यूरोपियन कंट्री में हमारे वाहनों की संख्या अगर देखी जाए तो 77.7% पॉल्यूटेंट केवल वाहनों से उत्पन्न हो रहे हैं, और जिसमें 80% दो पहियों का योगदान है।
तो अगर दो पहियों पर टेक्नोलॉजी बदल दी जाए तो उस टेक्नोलॉजी जो हमें पॉल्यूशन ना क्रिएट करे, ज्वलनशील पदार्थों का उपयोग ना हो, ऐसी टेक्नोलॉजी लगा दें तो 50-60% ग्लोबल वार्मिंग में कमी की जा सकती है। और दूसरे तरफ हमें जो मिनरल, जो हाइड्रोकार्बन हमें पृथ्वी से निकाल रहे हैं, जिससे पृथ्वी का दोहन करने से पृथ्वी में तमाम प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, उस चीज को कंट्रोल करने के लिए हम लोगों ने इस नए टेक्नोलॉजी की तरफ ध्यान दिया। और उस नया टेक्नोलॉजी जो है एयर से कैसे कंप्रेस्ड एयर को एनर्जी के रूप में फार्म करके कैसे इसको मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट की जाए, वही एक इसका लक्ष्य था। और एयर इंजन जो है हम लोगों का ये 2010 में तैयार हो गया था। हम सभी जानते हैं कि मनुष्य प्रारंभ से ही खोज परक प्रवृत्ति का रहा है और अपनी इसी प्रवृत्ति के चलते आज वह विकास के इस शिखर तक पहुँच चुका है। और इस प्रवृत्ति के अंतर्गत ही हमारे इन शोध छात्रों ने हवा से चलने वाली बाइक का निर्माण कर अपनी पहल को नवोन्मेष में परिवर्तित किया है। इस एरो बाइक का प्रदर्शन भारत के राष्ट्रपति महामहिम प्रणब मुखर्जी के समक्ष भी किया गया। उक्त प्रदर्शन के दौरान उन्होंने इस आविष्कार को बड़े ध्यान से देखा और प्रदर्शन कर रहे छात्रों से इसकी विस्तृत जानकारी भी ली। डॉक्टर भरतराज सिंह बताते हैं कि उन्होंने आधुनिक मोटरसाइकिल के मूल इंजन में भी थोड़ा फेरबदल कर उसे भी हवा से चलाने में कामयाबी हासिल की है, जिसे अगर कंपनी अपनाती है और इसे थोड़ा और उन्नत बनाने की कोशिश करती है तो आने वाले समय में न सिर्फ पेट्रोल की खपत कम होगी बल्कि आम आदमी को भी काफी सहूलियत भी मिलेगी। 4-स्ट्रोक इंजन को हमने 2-स्ट्रोक कैसे कन्वर्ट किया जाता है उसके पूरे सिद्धांत को उनको बताया। वो पांचों बच्चों की मेहनत से उन्होंने इस पर 1 साल का समय दिया और ये इंजन वही इंजन है, इसके अंदर 2-स्ट्रोक करने के बाद ये एयर इंजन की भांति चल रहा है और पूरे तौर से काम कर रहा है। इसमें मॉडिफिकेशन इतना ही अब करना है कि इसकी टंकी हटा करके जैसे उसमें एयर टैंक लगा हुआ उस टैंक को लगा दें तो इसमें मॉडिफिकेशन बहुत थोड़ा ही बचता है। तो ये आने वाले भविष्य में इसका अगर पब्लिक में इसको हम ले आएंगे तो इसकी एक्सेप्टेंस ज्यादा होगी, क्योंकि कोई भी आदमी कोई मोटरसाइकिल है दो पहिया वाहन रखता है, अगर उसका इंजन भी वही मॉडिफाई कर दिया जाए, सब कुछ वही कर जाए, लागत कम हो जाएगी। अभी उस एयर इंजन बाइक का जो है एयरो बाइक का कास्ट 80,000 के करीब आ रहा है और इसकी लागत हमें लगता है कि 40-50,000 में ही काम, ये जितने की नई गाड़ी आती है उसमें हम 10,000 और ऐड कर दें तो इसका मॉडिफिकेशन हो जाएगा। हवा से चलने वाली ये एयरो बाइक आज मूर्त रूप ले चुकी है, लेकिन हमारे शोध छात्र अभी भी इस कार्य में लगे हुए हैं ताकि इसे और अधिक उन्नत बनाया जा सके। इसी कॉलेज के कुछ और छात्रों ने सौर ऊर्जा से चलने वाली एक छोटी कार का भी आविष्कार किया है, जिसकी बैटरी सूरज की किरणों के साथ साथ बिजली से भी चार्ज हो जाती है। छात्रों ने अपने इस आविष्कार का नाम दिया है सोलर इलेक्ट्रिक स्ट्रीट कार। इस कार को बनाने से पहले इसकी उपयोगिता, लागत और सुलभता पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। कोई आम इंसान जब अपनी किसी कल्पना को मूर्त रूप देने की पहल करता है और उसे सफलतापूर्वक निर्मित भी कर लेता है तो उसे ही नवोन्मेष, इनोवेशन या आविष्कार कहा जाता है। इंडिया में सोलर एनर्जी का बहुत ही रिसोर्सेज है और इसका मैं उपयोग करके अपने देश के लिए अच्छा से अच्छा अपॉर्चुनिटी आएगा और इससे एनर्जी सेविंग होगी। और ये इको फ्रेंडली सोलर कार्ड है। इस आइडिया में हमारे डायरेक्टर सर का भी बहुत बड़ा योगदान है, इनके साथ ही हमारे डीन सर जिन्होंने इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट हमारे बच्चों को दिया, जिस बच्चों को मैंने बहुत अच्छा तरीका से गाइड किया। अगर हमारा इलेक्ट्रिक से जो चल रहा है ये कार तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो वहां पे मैं सोलर पैनल का इस्तेमाल करके आसानी से मैं यात्रा तय कर सकता हूं। और
इस कार का इम्पोर्टेंस यह है कि ये मैं सकरी रास्ता है उससे भी गुजर सकता हूं। इसमें मैंने क्या ये इलेक्ट्रिक से भी चल सकती है? इसमें मैंने 250 वाट का इलेक्ट्रिक मोटर लगाया हूं, इसमें यूज किया हूं, और साथ ही सोलर पैनल आप देख रहे हैं और लिथियम आयन का बैटरी भी है। इस तरह का कार हमने देखा है, कई चैनल पर भी देखा है, बहुत सारी जगहों पर देखा, लेख पड़ा है कि बहुत सारे लोगों ने इस तरह के प्रयोग किए हैं, तो इसमें खास क्या है, कुछ खास बताइए आप। इसका खासियत ये है कि आप आसानी से 40 किलोमीटर आपका एक पैसा नहीं लगता है, जीरो पैसा में 40 किलोमीटर आप आसानी से दूरी तय कर सकते हैं, और आपके पास बैटरी भी है, सोलर पैनल भी है, और कंफर्ट फील करेंगे। आपकी इस परिकल्पना को साकार करने में और किसने किसने आपकी मदद की? आपके छात्र भी होंगे बहुत सारे लोगों ने। इसमें सबसे पहले तो हमारे जो ऑनर हैं, सीईओ सर हैं, सीजीएम सर हैं, जीएम सर हैं, डायरेक्टर सर हैं, डीन सर है, वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट हैं, सारे फैकल्टी मेंबर का, साथ ही हमारे बच्चों ने बहुत ही लगन के साथ कार्य किया और 10 मई को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने रिप्रेजेंट हुआ और इनोवेटिव प्रोजेक्ट। स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में स्थित डॉक्टर सीवी रमन विज्ञान प्रयोगशाला में छात्रों ने अन्य कई उपकरणों का भी सफलतापूर्वक आविष्कार किया है। ये प्रोजेक्ट एक तरीके से कहिए कि ये हमारा रोबोटिक सिस्टम है। ये देखिए पीछे यहाँ पहिया लगी हुई है, किसी चीज को जैसे क्लीनिंग करनी है, बेस की क्लीनिंग, तो इसमें अगर हमें डस्टर लगा दिया जाए तो इसको चलाने के लिए हमने विदाउट एनी स्वीपर ये पूरे ऑटोमेटिक कर लेगा, और इसमें सेंसर लगा हुआ, अगर दीवार आ जाती है, कुछ आ जाता है तो फिर वो टर्न हो जाता है। तो इस टाइप के प्रोजेक्ट को हम बच्चों में प्रोत्साहित किया और आपके सौजन्य से सब चीजें यहाँ चल रही हैं। और ये मैं देख रहा हूँ एक ये जो गन है जी। ये यूं तो बच्चे खेलते हैं लेकिन इसमें कुछ बहुत सारी चीजें की हुई, ये गन क्या है? ये गन एक विशेष उसके उद्देश्य बनाई गई थी कि हमारे बॉर्डर पर अक्सर ये देखा जा रहा है कि वहां से कुछ न कुछ हमारे सैनिकों को या वहां के रहने वालों को बॉर्डर के अंदर आकर लोग आक्रमण कर देते हैं और जनमानस की हानि होती है। तो ऐसा एक हमने स्टेशन बना रखा है जिसके द्वारा अगर एक रेंज उत्पन्न की गई, एक इलेक्ट्रॉनिक फील्ड उत्पन्न की गई है, उस फील्ड के अंदर अगर कोई आ जाता है तो इसका सेंसर काम करता है। तो इलेक्ट्रॉनिक फील्ड जो आपने कहा वो लगभग एक किलोमीटर की है, किलोमीटर की है, और उसके अंदर कोई आ जाता है तो पहला एक काम है इस ये उसको डिटेक्ट करके ऑटोमेटिकली उस तरफ जाता है जहां पर कि ये ऑब्स्ट्रक्शन आया है या कोई आदमी आया, उसके बाद इसमें ऑटोमेटिक फायरिंग की डिवाइस है जिससे ये फायर कर देता है ताकि दुश्मन फिर आगे ना बढ़ पाए। तो इसके लगाने से किसी भी जनमानस की हानि नहीं होगी, अगर कोई दुश्मन बॉर्डर क्रॉस करता है तो ऑटोमेटिकली इससे कंट्रोल किया जा सकता। और ये मैं देख रहा हूँ ये क्या है डॉक्टर साहब? ये अर्थ स्टेशन हमेशा सेंसर करता रहता है कि इस पर्टिकुलर एरिया में कोई चीज अगर आकाश में मूव कर रही है तो तुरंत सेंस करता है, उसमें भी ये फिर इसका ये अटैचमेंट होता है, ये उधर मूव करके उसको फायर कर देता है। तो उससे भी उसमें विंग में या किसी में अगर लेजर से फायर हो जाता है तो वो जहाज वहीं गिर जाता है। मैं ये देख रहा हूँ एक ये ऑटोमेटिक एक्सीडेंट अवॉइडिंग सिस्टम है, ये कैसे काम करता है और ये लगता कहाँ है? ये ऑटोमेटिक एक्सीडेंट अवॉइडिंग सिस्टम जो बना हुआ है बच्चों में एक प्रोत्साहन ये दिया गया कि अगर हम गाड़ियां चलती हैं हमारी, अक्सर देखा गया है कि किसी कारण ब्रेक फेल्योर हुआ या साइड में रास्ता नहीं मिला तो उसकी वजह से अक्सर गाड़ियों में टक्कर हो जाता है। तो इसमें चारों तरफ एक इसका एक सेंसर लगा दिया गया है और उसमें डिफाइन कर दिया गया है कि इसमें इतने रेंज के अंदर अगर कोई चीज आती है तो ये गाड़ी दूसरी तरफ टर्न कर जाए, स्टॉप कर जाए, ये ऑटोमेटिकली इसमें फंक्शन शुरू हो जाता है। हमारे देश में अनेकों लोग कई तरह की कठिनाइयों का सामना करते हुए लगातार अपने प्रयोग कर रहे हैं, आवश्यकता है उन्हें आर्थिक और तकनीकी सहयोग की। स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस
ऐसे लोगों का प्रोत्साहन लगातार कर रहा है और उन्हें अनेकों तरह की सुविधाएं देने को भी तत्पर है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, जैसी आवश्यकता समाज की है उस तरीके से इनोवेशन होता है, तो उसका इम्पैक्ट देश और विदेश दोनों में पड़ता है। मैं इसके लिए जो है अपने डायरेक्टर प्रोफेसर बीआर सिंह साहब का बहुत ही आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने सर सीबी रमन रिसर्च इनोवेटिव सेंटर के माध्यम से बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट को इन्होंने जन्म दिया, बच्चों को उससे सिखाया, जिससे काफी देश विदेश तक अपनी ख्याति फैली है, जिसमें एरो बाइक जो हवा से एक बाइक चलती है, सर का बड़ा ही इनोवेटिव एक आइडिया रहा है। तो चौथे साल के बच्चों का जो प्रोजेक्ट होता है उसमें उनकी सहभागिता पूरी तरीके से की गई, उसके लिए हम लोगों ने उच्च स्तर का लैब व्यवस्था, जिसमें जो है प्रोडक्शन टाइप के लैब्स हमारे यहाँ हैं, जिसमें सारी चीजें जो अभी दिखाई गई उसमें कहीं से कोई भी चीज बाहर का नहीं है, जहां पे सारी उसकी कटिंग वेल्डिंग सारी उसकी असेंबलिंग का जितना भी पार्ट है वो सारे कैंपस में ही हुए हैं। इसमें हमारे सारे टीचरों का बहुत ही अहम भूमिका रही है, बहुत ही अथक परिश्रम रहा है, बच्चों का इन्वॉल्वमेंट रहा है, क्योंकि ये ऐसी डिग्री है बीटेक जो प्रोफेशनल कोर्स है, विदाउट प्रैक्टिकल इसका कोई मायने नहीं है और इस प्रैक्टिकल के ही माध्यम से ही आगे जाके ये कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने ये लैब की व्यवस्था इसमें उच्च स्तर की गई है, जिसमें बच्चे यहीं पे सारी चीजें कर पाएं और समय समय पर बच्चों का जो प्रोत्साहन है, चाहे वो स्कॉलरशिप के माध्यम से हो और चाहे ही फाइनेंशियल सपोर्ट हो, ये सारी चीजें हम लोग जो है मैनेजमेंट के समक्ष रखते हैं और उस पर हम लोग उनका मनोबल उनका हौसला अफजाई करते रहते हैं और इसमें जो है जितने भी हमारे फैकल्टी मेंबर हैं उनके मार्गदर्शन में वो लोग अपना काम करते रहते हैं और उच्च स्तर के जो नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, वो सारी व्यवस्थाएं हम लोग लैब में किए हुए हैं, जिससे बच्चों की वो सारी सुविधाएं मिलें, जिससे वो इस सारे इनोवेटिव आइडिया को उसका एक रूप दे पाए। इंसान जब अपनी भौतिक आवश्यकता को ध्यान में रखकर कोई खोज करता है तो उसमें उत्सुकता और अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि यही आविष्कार या खोज जब उपकरण के रूप में हमारे सामने आते हैं तो वो हमारे समाज के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होते हैं। हमारे देश में न जाने कितने युवा वैज्ञानिक अलग अलग क्षेत्रों में नित नए नवोन्मेष या इनोवेशन कर रहे हैं। आवश्यकता है तो बस उनकी इस पहल को आगे बढ़ाने की और हर संभव तकनीकी व आर्थिक मदद देने की, जिससे उनके हौसलों को एक नई मंजिल मिल सके और आम जनमानस को उनकी खोजों का फायदा। अगर आपने भी कोई नवोन्मेष या इनोवेशन किया है तो हमें इस पते पर सूचित करें। प्रस्तुतकर्ता कार्यक्रम पहल, 24 अशोक मार्ग, दूरदर्शन केंद्र लखनऊ, पिन कोड 226001। दोस्तों आज के एपिसोड में बस यहीं तक, अगले कार्यक्रम में हम फिर हाजिर होंगे किसी नवोन्मेष या इनोवेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नया सवेरा नई उमंगे नई नई हर बात, कोशिश करने से मिलती है खुशियों की सौगात, गाँव गाँव में नगर नगर में फूल खिलेंगे नगर नगर में, हुनर हौसला हिकमत से ही होते काम सफल।